गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी कल लेडी डॉन अनुराधा के साथ दिल्ली में होने जा रही है और इस शादी से पहले लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने जी न्यूज से खास बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों पहले से शादीशुदा होने के बाद दोबारा ये शादी इतने तामझाम के साथ की जा रही है। चारों सिद्धांत और संघर्ष हमने एक दूसरे से शेयर किया तो हम दोनों को लगा कि हम लोग एक साथ ज़्यादा बेहतर हैं। 16 साल बाद संदीप की वापसी होगी उनके घर में। जो चमके वो गोल्ड नहीं है, तो ये दुनिया भी जो चमकीली लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, नहीं फेम का गेम जो समझ में आता है उनको, वो गलत है। गैंगस्टर की दुल्हन बनने से पहले जी न्यूज़ पर लेडी डॉन। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक संदीप जिंदा है, तब तक ये सफर है। शादी से पहले संस्कारी बन गई लेडी डॉन। और ये संदीप की माँ की इच्छा थी कि उनका बेटा इस घर में दोबारा पैर रखे। एक गैंगस्टर और एक लेडी डॉन की शादी की चर्चा हर तरफ है। तैयारी पूरी की जा चुकी है, पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। कल काला जठेड़ी और लेडी डॉन शादी करने वाले हैं और इस शादी के एक एक मिनट पर पूरे पुलिस महकमे की नजर होगी। काला जठेड़ी की दुल्हन बनने जा रही है लेडी डॉन अनुराधा, जिनके साथ वो दिल्ली की द्वारका के एक बैंक्वेट हॉल में शादी करने जा रही है। दुल्हन बनने से पहले लेडी डॉन ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपनी शादी से लेकर अपनी लव स्टोरी तक सबके जवाब दिए। एक शादी जिसकी चर्चा चारों तरफ है, वो शादी जिसमें बाराती और घराती कम बल्कि पुलिस वाले ज़्यादा होंगे, वो शादी है गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी से। ये हम दोनों की एक साथ सोच थी और जब हम साथ रहे, थॉट्स और विचार और सिद्धांत और संघर्ष हमने एक दूसरे से शेयर किया तो हम दोनों को लगा कि हम लोग एक साथ ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये फैसला हम दोनों का था मिलके। अनुराधा चौधरी यानी मैडम मिंज, इनके नाम कई संगीन आरोप हैं और जिसकी क्राइम कुंडली भी बेहद बड़ी है। वही लेडी डॉन अब इस शादी के बाद आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना चाहती है। अनुराधा के मुताबिक ये शादी उसकी तरफ पहला कदम है। जो चमके वो गोल्ड नहीं है, तो ये दुनिया भी जो चमकीली लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, नेम फेम का गेम जो समझ में आता है उनको, वो गलत है। वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। हम भी इस चीज़ को छोड़ के और इस दुनिया में दोबारा लौटना चाहते हैं। ये डिसीजन हम दोनों का था। ये संदीप की माँ के लिए ऐसा किया गया है और सोसाइटी के लिए ऐसा किया गया है। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा पहले भी शादी कर चुके हैं, जब 2020 में दोनों ने चुपचाप शादी की थी, लेकिन इस बार ये शादी पूरे लाव लश्कर के साथ की जा रही है, जहां बाराती भी होंगे और पुलिस का पहरा भी। लेडी डॉन के मुताबिक दोबारा ऐसे शादी करने के पीछे भी बड़ा मकसद है। दूसरा दिन इसलिए चुना है क्योंकि संदीप बहुत लंबे समय से घर से बाहर रहे हैं और लंबे समय बाद दोबारा लौटेंगे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और अड़चन नहीं डालता है तो। और ये संदीप की माँ की इच्छा थी कि उनका बेटा इस घर में दोबारा पैर रखे और उसका परिवार हो और उसका भी वंश आगे चले, तो इस वजह से हम लोगों ने गृह प्रवेश के लिए स्पेशली ख़ास तौर से जोर दिया। ठीक है, वो 3 घंटे मिली हो हमें परमिशन, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 16 साल बाद संदीप की वापसी होगी उनके घर में, वो पैर रखेंगे, तो ये मेरे लिए भी और उनकी माँ के लिए काफ़ी खास है। काला जठेड़ी को दिल्ली के द्वारका कोर्ट से शादी के लिए 6 घंटे की पेरोल मिली है, लेकिन शादी के दौरान किसी तरह का गैंगवॉर ना हो जाए, ये दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि इस शादी में करीब 150 से 200 जवानों की फौज होगी। इसके साथ पूरा बैंक्वेट हॉल CCTV से लैस होगा। हमारी शादी में जो शामिल हो रहे हैं पुलिस वाले, बेचारों के लिए उनके लिए सर दर्द है, इतना ड्यूटी देना और ये सब चीज़ करना अननेसेसरी, तो लेकिन वो ज़रूरी है, तो हमारे लिए तो कोई स्ट्रेस या कुछ है नहीं और डिपार्टमेंट के लिए भी कोई स्ट्रेस नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल रूटीन चीज़ है जो कंडक्ट हो रही है।
अला जठेड़ी का नाम लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ा जाता है, लेकिन लेडी डॉन ने तो बिश्नोई को जानने से भी इनकार कर दिया। बातें फैलाई जाती हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्या थॉट्स हैं या क्या सिद्धांत हैं वो मैं जानती, मैं उनको नहीं जानती, ना मेरी बात हुई है उनसे कभी। मैं संदीप के सिद्धांत और संदीप के विचार जानती हूँ और मुझे ये पता है अच्छे से। डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, मीडिया को भी, कि संदीप अलग इंसान है, उनके अपने अलग सिद्धांत हैं। अनुराधा के मुताबिक वो क्राइम की दुनिया छोड़ चुकी है और इस शादी के बाद संदीप और वो दोनों ही समाज में आम इंसानों की तरह वापसी करना चाहते हैं। कि न्यायपालिका को जरूर लगा, इसीलिए दीपक वासन साहब ने हमें परमिशन दी, ना सिर्फ शादी की, गृह प्रवेश की भी, ताकि जो एक एक्यूज्ड पर्सन है वो दोबारा से समाज में लौट सके, और अगर ये लौट सके तो और के लिए भी रास्ते खुल सके। और अगर एक एक्यूज्ड पर्सन को शादी करने की परमिशन मिलती है, इट मीन्स एक फैमिली बनाने की परमिशन मिलती है, तो वो जो एक पत्थर दिल इंसान या फिर कह सकते हैं कि फीलिंग लेस पर्सन से दोबारा कन्वर्ट होता है, फीलिंग के साथ में अपनी फैमिली से अटैच और जुड़ता है। अनुराधा और लेडी डॉन पर काला जठेड़ी के साथ मिलकर अपने 20 विरोधियों की हत्या का भी आरोप है। अनुराधा का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था, हालांकि अब वो अपराध की दुनिया से दूरी बनाने का दावा करती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। जी